सुप्रीम कोर्ट में अकलियतों के हुकूक से मुतालिक केस की समाअत, अदालत ने जड़ावाला वाकये से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इसी पर बात करेंगे अफजल जावेद से। अफजल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज इसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अकलियतों के हकूक से मुतालिक केस की समाअत हुई, जहां जड़ावाला वाकये से मुतालिक जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है वो पेश की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में जो है फेंकने के काबिल है। ये रिमार्क दिए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज इसा ने, जिनका यह भी कहना था कि जड़ावाला वाकये से जो है मुतालिक की रिपोर्ट देखने के बाद शर्मिंदगी हो रही है। जड़ावाला वाकया कब हुआ और अब तक कितने लोग पकड़े गए, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि जड़ावाला वाकया 16 अगस्त 2023 को हुआ था, 22 मुकदमा दर्ज किए गए, 300 अफराद जो है गिरफ्तार किए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी क्या आप करना चाहते हैं, कितने बजे पहला चर्च चलाया गया था, अगस्त में फजर की नमाज कितने बजे होती है, जबकि उन्होंने अहकाम जारी किए हैं कि गैर अकलीतों से मुतलिक जो है हकूक को भी यकीनी बनाया जाए। पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ जलता देखा, जड़ावाला में भादर पुलिस खड़ी तमाशाई बनती देखी। अदालत ने जड़ावाला वाकये से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अपडेट कर रहे थे अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।